हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू आवर चैनल विदित किड्स क्लासेस। आज की क्लास में जो डियर लर्नर आपकी बड़ी ई होती है, कौन सी होती? बड़ी ई होती है। इससे जो बनने वाले जो शब्द होते हैं, बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है तो आप जानते हैं, ये होती है और ये इसकी बड़ी ई की मात्रा होती है। क्या होती? ये आपकी बड़ी ई की मात्रा होती। इससे जो बनने वाले शब्द हैं उनको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। तो जैसे हमने पहला शब्द लिखा सा, सा पे मैंने क्या किया, ई बड़ी की मात्रा लगाई सी, और फिर इस पे मैंने ता लगाया, तो क्या हो गया प्यारे डियर लर्नर, सीता। क्या हो गया? सीता। जैसे हमने गा लिखा, गा पे मैंने बड़ी ई की मात्रा लगाई, फिर मैंने ता लिखा, तो क्या हो जाएगा? गीता। ठीक है, क्या हो जाएगा? गीता। ठीक है, फिर जैसे मैंने डियर लर्नर लिखा, का पे मैंने बड़ी ई से बड़ी ई की मात्रा लगाई की, और उसके बाद में मैंने लिख दिया ता अल्ला, तो क्या हो जाएगा? कील। क्या हो जाएगी? कील। जैसे हमने हा लिखा, हा पे बड़ी ई की मात्रा लगाई और मैंने लिखा रा, तो क्या हो जाएगा? खीर। क्या हो जाएगा? खीर। खा पे बड़ी की मात्रा खी और फिर रा खीर। जैसे का पे बड़ी की मात्रा की और ला कील। जैसे मैंने लिखा पा, और ठीक है, ना लिखा, ना पे बड़ी की मात्रा लगाई नी और रा, तो अब जैसे इसको पढ़ोगे तो पा, ना पे बड़ी की मात्रा नी और रा, पनीर। क्या हो जाएगा? पनीर। ठीक है, क्या हो जाएगी? पनीर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट है डियर लर्नर, जैसे हमने लिखा, ये हमने लिखा वा, ठीक है, क्या लिखा? वा लिखा, वा पे हमने बड़े आ की मात्रा लगाई और मैंने लिखा ना, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे आप, और इस पे बड़ी की मात्रा लगा दी, तो अब इसे आप क्या पढ़ेंगे? बानी। क्या पढ़ेंगे? बानी। जैसे डियर लर्नर मैंने लिखा, सा पे मैंने बड़ी ई की मात्रा लगाई और मैंने लिखा ला, तो क्या हो जाएगा? सील। सा पे बड़ी ई की मात्रा सी और ला सील हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हा, क्या लिखा? हा लिखा, हा पे मैंने बड़ी ई की मात्रा लगाई और मैंने लिखा ता, तो आप क्या कहेंगे? क्या हो जाएगा? फीता। क्या हो जाएगा? फीता। जैसे मैंने लिखा रा, रा पे बड़ी की मात्रा लगाई री और फिर हमने लिखा ता, तो क्या हो जाएगा? रीता। क्या हो जाएगा? रीता। ठीक है, जैसे मैंने लिखा पा, पा पे मैंने बड़ी की मात्रा लगाई पी और फिर मैंने लिखा ना, तो अब क्या हो जाएगा? पीना। क्या हो जाएगा? पीना। ठीक है, जैसे मैंने लिखा पा, पा पे बड़ी की मात्रा पा, पा और फिर ना, ना लिखा, ना पे बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? पानी। क्या हो जाएगा? पानी। और पी पे, पा पे बड़ी की मात्रा पी और फिर ना, ना पे बड़ा का डंडा, तो क्या हो जाएगा? पीना। और उसी प्रकार पा पे बड़ा की मात्रा और फिर नी लिखा, नी पे बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? पानी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा धा, धा पे मैंने लिखा बड़ी ई की मात्रा, धा पे बड़ा का डंडा और फिर लिखा मैंने, क्या लिखा? धा पे बड़ी के बड़ा का डंडा धा और ना पे बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? धानी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा का, क्या लिखा? का लिखा, का पे फिर मैंने का लिखा और का पे मैंने बड़ी की मात्रा लगाई,
तो क्या हो जाएगा? काकी। क्या हो जाएगा? काकी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा दा, क्या लिखा? दा। दा पे मैंने बड़े की मात्रा लगाई, फिर लिखा दा, दा पे मैंने फिर बड़े की मात्रा लगाई, तो क्या हो जाएगा? दा पे बड़ी आ की मात्रा दा, और दा पे बड़ी ई की मात्रा, तो दादी। क्या हो जाएगा? दादी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा पा, फिर मैंने लिखा टा, फिर मैंने लिखा रा, रा पे मैंने बड़ी की मात्रा लगाई, तो क्या हो जाएगा? अब आप क्या कहेंगे? पटरी। क्या हो जाएगी? पटरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? पटरी। जैसे मैंने लिखा था, था पे मैंने बड़ा की मात्रा लगाई था, फिर ला लिखा, ला पे बड़ी की मात्रा लगाई, तो क्या हो जाएगा? थाली। क्या हो जाएगा? थाली। ठीक है, क्या हो जाएगा? थाली। जैसे किसी का नाम हो, जैसे आपने सुना होगा सा, सा लिखा, फिर ला लिखा, ला पे बड़ी की मात्रा लगाई, तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे? साली। क्या कहेंगे? साली। जैसे आप किसी को गाली देखते हैं तो कैसे लिखेंगे? गा लिखेंगे, गा पे बड़ी की, बड़े आ की मात्रा, और ला लिखेंगे, ला पे बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? गाली। ठीक है, जैसे आपको लिखना हो नीर, कैसे लिखेंगे? ना पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे और उसके बाद में रा लिखेंगे, क्या हो जाएगा? नीर। क्या हो जाएगा? नीर। जैसे लिखना हो, जैसे मैं लिख रहा हूं धा, धा पे मैंने बड़ी की मात्रा लगाई और रा लिखा, तो क्या हो जाएगा? धीर। क्या हो जाएगा? धीर। जैसे मैंने छा लिखा, छा पे बड़ी की मात्रा लगाई छी और रा लिखा, तो क्या हो जाएगा? छीर। क्या हो जाएगा? छीर। जैसे मैंने लिखा आ लिखा, फिर मा लिखा, मा पे बड़ी की मात्रा लगाई मी और रा, तो क्या हो जाएगा? खमीर। हा, मा पे बड़ी की मात्रा मी और खमीर। ठीक है, जैसे मैंने लिखा का, फिर रा लिखा, रा पे बड़ी की मात्रा लगाई बा लिखा, तो क्या हो जाएगा? गरीब। क्या हो जाएगा? गरीब। ठीक है, जैसे आपका लिखा मैंने आ, और फिर मा लिखा, मा पे बड़ी की मात्रा लगाई और फिर रा लिखा, तो क्या हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे अमीर। ठीक है, क्या आप कहेंगे? अमीर। ठीक है, अमीर, अमीर। ठीक है, जैसे मैंने लिखा धा लिखा, धा पे हमने ना, फिर ना लिखा, ना पे हमने बड़ी की मात्रा लगाई, तो क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे धनी, धनी। क्या हो जाएगा? धनी। ठीक है, जैसे मैंने दा लिखा, क्या लिखा? दा लिखा, दा पे मैंने बड़े, दा पे मैंने बड़ा का डंडा लगाया और ना लिखा, ना पे मैंने बड़ी ई लगाई, तो क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे दानी। क्या कहेंगे? दानी। जैसे आपसे हम कहते हैं गा लिखे, ठीक है, गा लिखे, गा पे बड़ा का डंडा लगाए, रा लिखे, रा पे बड़ी की मात्रा लगाए, क्या हो जाएगा? गाड़ी। क्या हो जाएगा? गाड़ी। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों से, मैं कहता हूं खाली, खाली कैसे लिखोगे? तो आप खा लिखेंगे, खा पे क्या करेंगे? बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? खाली। ठीक है, जैसे मैंने कहा जाति, जा लिखा, ता लिखा, ता पे बड़ी की मात्रा लगाए, तो क्या हो गया? जाति। जैसे किसी को आती, कैसे लिखेंगे? आ लिखेंगे, आ के बाद में ता लिखेंगे, ता पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आती। जैसे लिखना है आपको खाती, तो खा लिखना है, फिर ता लिखना है, ता पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? खाती। ठीक है,
तो आज की क्लास में डियर लर्नर यहीं तक, आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर डियर लर्नर, ठीक है।